स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक आवाज तेजी से गूंज रही है और वो आवाज है संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए। राजीव त्यागी के निधन की वजह जो है वो लास्ट डिबेट बताई जा रही है और वो लास्ट डिबेट जिसमें संबित पात्रा राजीव त्यागी को कई बातें, कई तरह की भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हिंदू होने पर सवाल कर रहे हैं, उनके टीका लगाने पर सवाल कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में इसे देखा जा रहा है और लोगों का ये मानना है कि यही वजह है जो राजीव त्यागी को सदमा लगा और सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। अब ये बात सिर्फ आम लोगों तक यानी आम ट्विटर यूजर तक ही सीमित नहीं है, अब ये बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कहने लगे हैं। अभी हाल ही का ट्वीट हमारे सामने आ रहा है। ट्वीट है कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की वजह की जांच हो रही है तो फिर राजीव त्यागी की मौत के कारण की जांच क्यों नहीं हो सकती। और तीनों लोगों को टैग किया है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो है उसको भी टैग किया है। यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टैग करके कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को टैग किया इस वजह से कि इस पर कार्रवाई की जाए और उन्होंने यह हवाला दिया कि जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की वजह जानने के लिए जाँच की जा सकती है तो फिर क्यों नहीं उनके जो प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी, उनकी मौत की वजह जानने के लिए जांच की जाए। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने प्रवक्ता की मौत की जांच के लिए कोई कार्रवाई करेगी? अगर ऐसा होता है तो संबित पात्रा या आज तक या फिर रोहित सरदाना जैसे पत्रकारों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके आगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखने की ये कोशिश की है, नकली डॉक्टर असली मौत। और वो वीडियो जो लगातार कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वीडियो राजीव त्यागी का अंतिम वीडियो था जिस वीडियो में संबित पात्रा सीधे सीधे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके टीके को लेकर, उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सच्चा हिंदू क्या होता है, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए वो संबित पात्रा नजर आ रहे हैं। और यही वजह बताई जा रही है जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इस टिप्पणी के चलते उन्हें सदमा लगा और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और वही वीडियो शेयर करके अब आचार्य प्रमोद कृष्णम नकली डॉक्टर और असली मौत लिखने का मतलब ये है, उनके ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर संबित पात्रा को डायरेक्ट जो है वो जिम्मेदार ठहराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और दूसरे ट्वीट में वो कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके की कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई करती है तो संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि अरे संबित पात्रा, और लोग संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे राजीव त्यागी को लेकर। लेकिन वही एक पत्रकार का ट्वीट भी आता है जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा का ट्वीट आता है और वो क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। राजीव त्यागी इतने कमजोर व्यक्ति ना थे कि डिबेट में कहीं बात पर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। दूसरे ये आम है कि गेस्ट स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस के बीच आए ब्रेक में एक दूसरे से हंसी मजाक करें, कोई दिल पर नहीं लेता बात। और संबित स्वराज को टारगेट करने के लिए किसी की मौत का इस्तेमाल क्यों? यानी इन्होंने संबित पात्रा का बचाव करते हुए ये ट्वीट लिखा और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजीव त्यागी की जो मौत की वजह है वो ये नहीं हो सकती कि उन्हें बुरा लगा हो, क्योंकि कितनी भी गर्मा गर्म बहस होती हैं और उन बहसों के बीच जब ब्रेक होता है तो आपस में सब हंसी मजाक करते हैं और नॉर्मल रहते हैं, कोई भी बात को दिल पर नहीं लेता, तो ये कहना गलत है और संबित पात्रा को टारगेट करना गलत है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं ये बचाव में उतरने की इन्होंने कोशिश की है संबित पात्रा के। लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका ये पहला मामला नहीं है। ऐसे जने कितनी डिबेट रही होंगी जिसमें संबित पात्रा कुछ भी बोल देते हैं और चैनल वाले टीआरपी के लिए बिना कोई ब्रेक के, बिना रोके टोके इस तरह की भाषा को चलने देते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर।
आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो मांग की है उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस राजीव त्यागी की मौत की क्या वजह है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।